जुर्म के खिलाफ बुलंद आवाज की बढ़िया गाड़ी। नमस्कार, जी न्यूज में मैं आप सभी के साथ रिपा गुप्ता और आप सभी का स्वागत है आज के बुलेटिन खबरों में। आइए बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। महिला ने पति व दो बेटों का गला रेत कर किया हत्या। गोरखपुर सहजनवा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत 5 में शनिवार की रात 1:30 बजे एक महिला ने अपने पति समेत 213 बेटों का गला रेत कर दिया हत्या। रविवार की सुबह सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। थाना अध्यक्ष सहजनवा ने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सूचना में दिखाए घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी, पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिसोई, क्षेत्राधिकार कैंपियरगंज श्याम देव सहित अन्य संबंधी अधिकारी पहुंचकर जांच शुरू कर दी। आरोपित महिला को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। संदिग्ध खबरों को सुनते रहिए। चलो ठीक है। जनपद गोरखपुर के थाना सहजनवा में कल रात्रि थाना पुलिस को 1:30 बजे सूचना मिली कि दो मुंह बांधे हुए लोगों द्वारा एक परिवार के एक पुरुष एवं उसके दो बच्चों की गला रेत दिया है। इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने पर एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया, बाकी दो का इलाज जारी रहा, वो भी कुछ थोड़ी देर बाद में मृत घोषित कर दिए गए। इस सूचना के बाद में थाना पुलिस द्वारा मौके पर जाके जांच पड़ताल की एवं आस पड़ोस में पूछा गया तो यह पता चला कि पति पत्नी के अंदर हमेशा विवाद रहता है। विवाद की जड़ के बारे में पता करने के लिए बाद में अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई। इस पूछताछ में सामने आया कि एक महिला जो कि 1 साल पहले नीलम गुप्ता, जिसकी अवधेश से 1 साल पहले शादी हुई थी, शादी के बाद में इनके संबंध ठीक नहीं थे एवं जो महिला की 1 साल पहले शादी हुई थी अवधेश से, उसकी और महिला की पूर्व की एक बच्ची जो 12 साल की थी वो उस पर गलत नज़र रखता था एवं पति पत्नी के बीच में प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद की भी बातें सामने आई है कि पुरुष जो है वो अपनी शादी से पहले की शादी से दो बच्चे थे, सिर्फ उन्हीं को प्रॉपर्टी देना चाहता था, महिलाएं एवं इसकी बच्ची को प्रॉपर्टी से वंचित रखना चाहता था। इस तरह की दोनों बातों को लेकर विवाद था और उसी विवाद को लेकर महिला ने पहले धारदार चाकू से एवं डंडे से दूसरे बिस्तर सो रहे अपने पति की हत्या की एवं उसके बाद में उसके दो बच्चे 6 साल और 7 साल के आर्यन एवं आरोप दोनों की हत्या कर दी। थैंक यू।